सिलीगुड़ी जिला अस्पताल के सामने अवैध और धड़ल्ले रूप से बेचा जा रहा है गुटखा पान मसाला। सिलीगुड़ी स्वास्थ्य विभाग, राज्य स्वास्थ्य विभाग, अस्पताल प्रशासन, पुलिस प्रशासन बनी है मुखदर्शक। नहीं किया जा रहा है कार्रवाई, इंसानी सेहत पर लग रहा है लगाम। इसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं, ना आम आदमी, ना अस्पताल विभाग के कर्मी, ना ही अस्पताल के डॉक्टर्स। ये तस्वीर आपको सोचने पर कर देंगी मजबूर। हम इंसान हैं, ये बात सभी को पता है। इंसानी सेहत को कैसे तंदुरुस्त रखा जाए, इसका इल्म हम सबको है, लेकिन आम आदमी आदत से मजबूर है। एक ऐसा ही नजारा सिलीगुड़ी जिला अस्पताल के बाहर देखा जा रहा है, जहां धड़ल्ले से गुटखा और पान मसालों की अवैध तरीके से बिक्री की जा रही है। तंबाकू के दुष्प्रभाव से आज भारत ही नहीं बल्कि पूरा देश चिंतित है। विकसित देशों के साथ साथ विकासशील देश भी आज इसकी गिरफ्त में है। भारत में प्रतिदिन 2200 लोग तंबाकू से उपजे रोगों के कारण मर रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने गुटखा और पान मसाला के निर्माण, स्टोरेज और बिक्री पर एक साल का प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 7 नवंबर 2021 से प्रभावी भी हो गया था। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया था, लेकिन यह सरकारी आदेश कुछ दिनों के लिए चला तो सही। सिलीगुड़ी पुलिस प्रशासन द्वारा विभिन्न इलाकों में अभियान चलाकर छापेमारी भी की गई, खरीदारों और गुटखा विक्रेताओं पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन कुछ समय बाद स्थिति जस की तस रही। प्रशासन को इस बात की जानकारी है, लेकिन आखिर वे क्यों आंख मूंद कर बैठी हुई है, ये सवाल बेहद गंभीर है। अस्पताल परिसर में आखिर क्यों इस तरह के धंधे को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। इसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है, ना आम आदमी, ना अस्पताल के कर्मी, ना ही जीवन रक्षक डॉक्टर्स, और ना ही अस्पताल प्रशासन के अधिकारी। आज के 21वीं सदी के दौर में जब चिकित्सा का क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है, जहां समस्त बीमारियों का सुलभ इलाज प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध करवाया जाता है, वहीं इस तरह के मामले सामने आते हैं। सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिला स्वास्थ्य प्रशासन, राज्य स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, सिलीगुड़ी नगर पालिका आखिर क्यों इस गंभीर मामले के आगे मुखदर्शक बनी हुई है। के तपाईले सिलीगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको छ। यहाँ 30-45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप इम्युनिटिजका साथमा रूफटप इम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रेलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चम्पासरी, सिलगढ़ी। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी।
Damn cold.